अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। महेश दामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पहले बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद दरिंदों ने बच्ची का कलेजा निकाल लिया और उसे खा भी लिया। मगर अब 3 साल बाद इन चारों दरिंदों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है। खबरों के अनुसार शादी के 18 साल गुजर जाने के बाद भी परशुराम और सुनैना को कोई संतान नहीं हुआ था। इसी बीच इन्हें एक तांत्रिक ने बताया कि किसी बच्चे को मारकर उसका कलेजा आप दोनों खाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर क्या था, संतान प्राप्ति के चक्कर में परशुराम और सुनैना और अपने भतीजे अंकुल और वीरन के साथ मिलकर 3 साल पहले 14/11/2020 को दीपावली के दिन पटाखे खरीदने गई 7 साल की मासूम बच्ची का इन चारों लोगों ने अपहरण किया। उसके बाद मासूम का छद विछद शव दूसरे दिन खेत से बरामद किया गया। बताया गया कि मासूम के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसका फेफड़ा और कलेजा निकाल लिया गया था। उस फेफड़े और कलेजे को संतान प्राप्ति के चक्कर में आदमखोर बन चुके परशुराम और उसकी बीवी सुनैना ने खा लिया था। बताया जा रहा है कि जिस मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई, परशुराम और सुनैना उसके चाचा और चाची थे। खबरों के अनुसार अब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा इन चार आदमखोरों को सुनाई है, मगर पीड़ित परिवार अदालत से आरोपी परशुराम, सुनैना और भतीजे अंकुल वीरन को सजाए मौत की मांग कर रहा था, मगर उम्र कैद की सजा मिलने के बाद परिवार संतुष्ट नहीं है और बताया जा रहा है कि अब परिवार हाई कोर्ट का रुख करेगी।